Hey guys, welcome back to our channel. दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपने पुराने फोन सोल्ड आउट करने हैं, वो भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से। गाइस यहाँ पे न्यू सेक्शन आ चुका है, अब आप यहाँ पे इजीली अपने पुराने फोन को सोल्ड आउट कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे कैशिफाई एप्लीकेशन से करते उसी की तरह यहाँ पे अभी आप सोल्ड आउट कर सकते हो। बहुत ही इजी स्टेप है, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, अलग से यहाँ पे सेक्शन दे दिया गया। तो गाइस पूरी डिटेल दे रहा हूँ इस वीडियो में इसी टॉपिक पर, तो गाइस प्लीज इस वीडियो आप एंड तक बने रहे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं निकेत जौहर, आप देख रहे हैं टेक इन्वेंटेड। सिंपली आपको साइड में स्क्रीन शो कर देता हूँ, प्लीज आप वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो गाइस सिंपली आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको सेक्शन चाहिए कि आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से सोल्ड आउट करना है अपना पुराना फोन, रिफर्बिश्ड फोन, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, तभी आप ये फीचर्स को इस्तेमाल कर पाओगे, तभी आप इस एप्लीकेशन की मदद से सोल्ड आउट कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं सुपर कॉइन्स का, कूपन्स का, इसी तरीके से फीड का, क्रेडिट का, ट्रांजैक्शंस का, ट्रेंडिंग का। तो गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेल बैक का। तो गाइस सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। जब यहाँ पे आप टैप करते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सेल योर ओल्ड फोन एंड गेट इंस्टेंटली मनी इन योर बैंक। तो गाइस यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पर सोल्ड आउट करते हो अपने पुराने फोन, तो यहाँ पे आपको चार स्टेप देखने को मिल जाता है, चार बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अट्रैक्टिव प्राइजेस, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस आपको देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अनदर एप्लीकेशन। इसी तरीके से क्विक पेमेंट, आपको इंस्टेंटली पेमेंट रिसीव हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको डोर स्टेप पिकअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको सेफ एंड सिक्योर रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, जहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का टैग लग जाता है वहीं पे भी यहाँ पे भरोसा आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे चार स्टेप आपको कंप्लीटली करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेल बैक पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फोन का प्रोवाइड डिटेल कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस अ रिक्वेस्ट टू सेल कर देना है। जब पिकअप कंप्लीटली हो जाएगा तो इंस्टेंटली आपको मनी भी दे दिया जाएगा। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको कंप्लीटली करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चेक प्राइस या फिर सेल नाउ। तो गाइस सिंपल आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद जो भी टॉप ब्रांड्स के अवेलेबल है फोन्स यहाँ पे आपको लिस्टेड कर दिया जाता है, जैसे कि एप्पल्स हो गया, मोटोरोला का, वन प्लस हो गया, ओप्पो गया, रियलमी, सैमसंग, वीवो, जो भी आपका फोन है सिंपल आपको उस पर टैप कर देना है। मतलब जो भी ये एक्सेप्ट करने हैं, जो भी आपको बेचना है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मॉडल। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे मुझे ये वाला फोन सोल्ड आउट करना है जो है Mi 3S प्राइम में, तो गाइस सिंपल यहाँ सर्च आउट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे टैप कर देना है। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपना IMEI नंबर एंटर करने के लिए। अगर आपको नहीं पता अपना IMEI नंबर, तो गाइस सिंपली आपको करना है जो भी फोन आपको सोल्ड आउट करना है सिंपली आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है *#06#। उसके बाद यहाँ पे आपको दो IMEI नंबर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको सिंपली कोई सा भी IMEI नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद सिंपल आपको वेरीफाई पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफाइड हो चुका है, सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर देना है। मैं आपको बता दूं, ऑर्डर प्लेस करने से पहले जो भी आप यहाँ पे IMEI नंबर एंटर करते हो सिंपली वही IMEI नंबर वो चेकआउट करेंगे। जब पिकअप बॉय आएंगे आपके घर सिंपल आपको वही IMEI नंबर वाला फोन उनको देना प्रोवाइड करना है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप IMEI नंबर कुछ और दे रहे हो और फोन कुछ और दे रहे हो, तो गाइस ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह का इंटरफेस, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो Mi 3S प्राइम गेट सेल बैक मनी अप टू 2750 रुपीज। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि इतने तक आपको मिल सकता है अगर आप यहाँ फोन सोल्ड आउट करते हो तो। बट मैं आपको बता दूँ ये फिक्स अमाउंट नहीं है, आपके यहाँ पे डिपेंड करता है आपके फोन के कंडीशन पर, मतलब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग रेट से हाईएस्ट रेट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे आपको मनी रिसीव करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड, इसी तरीके से बैंक अकाउंट। अगर आपको बैंक अकाउंट में मनी चाहिए तो गाइस सिंपल आपको इस पर टैप कर देना है। यहाँ पे आपको फुल डिटेल देना, सबमिट करना पड़ेगा, चाहे वो IFSC कोड हो, अकाउंट नंबर हो, कंफर्म अकाउंट नंबर, इस तरीके से अकाउंट होल्डर नेम, उसका सब कुछ कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको पिकअप अपना एड्रेस देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पिकअप अवेलेबल ऑन कब आपको शेड्यूल है यहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाता है। तो गाइस आगे का क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपके एड्रेस पर पिकअप बॉय आएंगे, वो पूरा वेरीफाई करेंगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या स्टेटस है आपके ओल्ड फोन का, ब्रेक कहाँ से है, कितना है, उसके हिसाब से वो वैल्यू लगाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो एक्सचेंज वैल्यू रहने वाला है वो बिटवीन रहने 900 रुपीज से 2750 रुपीज के अंदर, मतलब इसके बीच में रहने वाले, 900 रुपए से कम इसका वैल्यू नहीं लगा सकता। तो गाइस यहाँ पे चेकआउट कर लेना अपने फोन के हिसाब से, अलग अलग फोन के हिसाब से अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ साथ अलग अलग प्राइसेस भी रहते हैं। उसके बाद आपको सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर लेना है। और यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है कि साफ साफ अगर ये पिकअप कंफर्म कर लेते हैं पिकअप बॉय, डेफिनेटली आपको 24 आवर के अंदर पेमेंट रिसीव हो जाएगा। तो गाइस सिंपल आपको यहाँ पे कंफर्म एंड सेल पे टैप कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम ऑर्डर समरी में आ जाते हैं, आपके यहाँ पे सेल बैक, यहाँ पे आपको कार्ड देखने को मिल जाता है, इसी के साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और मैं आपको बताऊँ
दूं यहाँ पे आपको पिकअप चार्ज 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना, कंटिन्यू पे टैप करके पेमेंट कंफर्म कर लेना है। पे आपको बहुत सा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे आप नॉर्मली ऑर्डर प्लेस करते हो उसी तरीके से आप पेमेंट मेथड भी चूज आउट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन UPI का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, EMI ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ना ही पे लेटर ऑप्शन अवेलेबल है, ना ही कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे आपको सिंपली ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, पेमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट कर दोगे तो डेफिनेटली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपके शेड्यूल डेट पर पिकअप बॉय आ जाएंगे और आपके कंफर्म कर लेंगे पिकअप, और आपको इंस्टेंटली 24 आवर के अंदर पेमेंट भी रिसीव हो जाएगा। सो गाइस आपको कुछ इसी तरीके से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे अपना पुराना फोन सोल्ड आउट करें, डेफिनेटली 110% जेनुअन है, 110% आप इंस्टेंटली सोल्ड आउट कर सकते हो, वो भी बहुत ही बेस्ट प्राइस पर। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से मदद मिली हो, इस वीडियो से जानकारी मिली हो, तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम आप सभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इसी तरीके वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते। तो गाइस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।